Hello viewers, welcome to my channel. I'm back again with another recipe today. Today I'm going to make आलू पोहा. आलू पोहा बनाने के लिए जो मुझे चाहिए वो ऑफकोर्स पोहा है. ये जारा पोहा है जो कि मोटे मोटे होते हैं, पतला वाला नहीं है. ये मैंने दिए है 2 कप्स, एक बड़ा आलू, बड़े साइज़ के आलू, ये है कोरिएंडर लीव्स, सांभर जो है, यहाँ मैंने लिया है 5 to 6 मिर्ची. आप रेड वाले भी यूज़ कर सकते हो जो कि मतलब कच्चे होते हैं, उतना ये नहीं, बट देयर कलर टर्न्स रेड. वो वाला मैं थोड़ा तीखा बनाने जा रही हूँ. इसको आप अपने हिसाब से, तीखा जो है वो आप अपने हिसाब से डालना. यहाँ पर है एक बड़े साइज़ के टमेटो, जीरा, ये है मास्टर सीड्स. यहाँ पर है मूंगफली जो है, यहाँ पर मैंने 1/4 कप ऑफ मूंगफली लिया है मैंने. हल्दी पाउडर, ये है लाल मिर्ची पाउडर, ये है काली कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये है नमक और तेल. तेल जो है ये पहले से मैंने गरम करने के लिए रखा है. तेल यहाँ पर मैंने लिया है एटलीस्ट इट्स अ हाफ कप ऑफ, क्योंकि पोहे के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी. पहले मैं इसमें डालने जाऊँगी 1/4 टीस्पून ऑफ जीरा. आप हाफ टी स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, दिस टोटल डिपेंड्स अपॉन यू. 1/4 टीस्पून ऑफ मास्टर सीड्स, इसके बाद मैं डालूंगी मूंगफली जो है उसको, बिकॉज आई हैव टू फ्राई इट, क्योंकि इसको भी पकना चाहिए बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, तो इसको मैंने पहले ही डाल दिए. इसके बाद जाएंगे हरी मिर्च, थोड़ा सा डिफरेंस पकना. यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, पोहे में करी पत्ता यूज़ करते हैं, पर मैं यहाँ पर करी पत्ता यूज़ नहीं कर रही हूँ. जिन लोगों को करी पत्ता पसंद नहीं है वो ये जो प्रोसेसेस है वो इस्तेमाल करें, और जिनको करी पत्ता पसंद है, ये मिर्ची डालने के बाद ही तुरंत आप 4, 7 to 8 या फिर 10 करी लीव्स यहाँ पर डाल दें. इसके बाद मैं देने जा रही हूँ कटे हुए आलू. इसको हम थोड़ी देर के लिए स्टेयर करेंगे. आप देख सकते हो कि आलू मैंने कितने छोटे छोटे साइज करने तक कट लिया है. अभी हम इसको पकने देंगे, पर इससे पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून ऑफ नमक और 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर दे देंगे. इसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे. इसको हम ढक के रखेंगे 2 to 3 मिनट्स. 3 मिनट बाद हम वापस आ गए. 3 मिनट, इन 3 मिनट में आपको ये जो ढक्कन है उसको खोल के आपको स्टेयर करना पड़ेगा. अभी इसमें मैं डालने जा रही हूँ फिर से 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर. हल्दी मैं फिर से डालने जा रही हूँ क्योंकि हल्दी मुझे और चाहिए, क्योंकि पोहे के लिए भी मुझे थोड़ा सा हल्दी तनी चाहिए, इसलिए मैं हल्दी डाल दी. उसके बाद आप कितना तीखा पसंद करते हो उसके हिसाब से आप मिर्ची पाउडर डालो. मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आपके हिसाब से डालो कितना आपको पसंद है उस हिसाब से. 1/2 टीस्पून ऑफ लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च मैं यूज़ करी. अगर आप तीखा जो कश्मीरी तीखा मिर्च जो है आप अगर वो यूज़ करते हैं तो आपको जो रेड चिली पाउडर है नॉर्मल वो आपको यूज़ नहीं करना पड़ता, ये आप ध्यान में रखिए. अभी हम थोड़ा मसाला को पकने के लिए छोड़ देंगे. इसमें हम और ज़्यादा नमक यूज नहीं करेंगे, ऑलरेडी आई हैव यूज सॉल्ट. सो इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे. उसके थोड़े देर बाद 1-2 मिनट बाद हम इसमें पोहा डाल देंगे. अभी ये 2-3 मिनट के अंदर ही हम इसमें टमाटर छोड़ देंगे. टमाटर छोड़ने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए सॉल्ट करेंगे. जब तक टमाटर पकना जाए तब तक हम पोहा नहीं डालेंगे.
थोड़े देर के लिए हम वेट करेंगे जब तक ये टमाटर पकना जाए अच्छी तरह से। टमाटर जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है। अभी मैं इसमें डालने जाऊँगी पोहा। ये पूरा जो पोहा है मैं इसमें डाल दूँगी, इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद मैं इसमें अराउंड वन टीस्पून और इससे भी थोड़ा हाफ, याद रखना हमने पहले भी हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट यूज़ किया है, सो रिमेम्बर दैट। अब इसमें मैं इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसके ऊपर ये कटा हुआ जो सांभर है, जो धनिया पत्ता है, इसको हम स्प्रिंकल करके मिक्स कर देंगे। एक बात और, यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट मैंने यूज़ किया है, आप प्लीज़ उसको मत यूज़ कीजिए। वो जो हाफ टी स्पून है उसको मत यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको पहले देखना पड़ेगा कि खाना अच्छा हो किस हिसाब से। बहुत लोगों को कम नमक पसंद है, बहुत लोगों को ज़्यादा, तो पहले कम नमक दे के खाना बनाना चाहिए। अगर लगे तो साइड में ले सकते हैं। सो यू विल बी यूजिंग ओनली 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट फॉर दिस पोहा लेटर। पहले आपने 1.5 टीस्पून यूज़ किया है वाइल कुकिंग द पोटैटोस, एंड नाउ आई हैव यूज 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। आपने शायद देखा होगा कि मैं बहुत बार नमक डाल रही हूँ, एक्चुअली दैट्स क्वान्टिटी ऑफ माई हैंड एक्चुअली, नथिंग एल्स है। अगर आप स्पून से यूज़ करते हो तो 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ही आप यूज़ करोगे। मैंने मिक्स कर लिया है सब कुछ, अभी हम इसको सर्व करेंगे। दिस इज़ टोटली रेडी। एंड वन थिंग मोर, हमने इसको इस जो पूरा आलू पोहा है इसको हमने एकदम लो फ्लेम में कुक किया है, आप भी लो फ्लेम में कुक कीजिए। नाउ आई बी स्विचिंग ऑफ द गैस। ये आप नींबू के साथ सर्व कीजिए। ये प्योर जैन फूड की तरह मैंने बनाया है, पर जो जैन फूड के अलावा है वो अगले एक दिन बाद में एक दिन मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ये आज पूरा जो प्रोसेस है ये पूरा जैन फूड की तरह ही मैंने किया है। सो लेट्स सर्व इट। मेरी आलू पोहा जो है वो रेडी है, इसको आपको नींबू के साथ सर्व करना पड़ेगा। सो प्लीज़ ट्राई दिस एट होम। ये ब्रेकफास्ट है एक्चुअली, इसको आप शाम को भी नाश्ते के चाय नाश्ते में बना सकते हैं। इट इज़ वेरी टेस्टी। इसको आप शेव जो होते हैं उसके साथ भी ऊपर डेकोरेशन करके या गार्निश करके सर्व कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और जितना हो सके शेयर कीजिए मेरी वीडियो ताकि लोगों तक पहुँच सकूँ मैं। थैंक यू। टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।